स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4, दैट इज इंसेक्ट्स, बजर्स एंड चर्पर्स. एन इंसेक्ट इज अ स्मॉल क्रिएचर विद 6 लेग्स एंड अ बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इंसेक्ट्स जनरली हैव विंग्स. आर्म्स, बीज एंड फ्लाइज आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स. एन इंसेक्ट इज अ स्मॉल क्रिएचर. इंसेक्ट्स जो है वो बहुत स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं जिनकी 6 लेग्स होती हैं और जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एंड दे हैव जनरली विंग्स. इंसेक्ट्स के जनरली विंग्स होते हैं. एंड्स, बीज एंड फ्लाइज आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स. सो क्वेश्चन 1 इज, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंसेक्ट्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो देयर पिक्चर्स बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प लिस्ट. यहाँ एक हेल्प लिस्ट दी हुई है, इसमें से देख के इन पिक्चर्स में कौन से इंसेक्ट्स हैं उनके नाम उनके नीचे लिखने हैं. ओके, फर्स्ट वन इज बटरफ्लाई. सेकेंड वन इज हाउस फ्लाई. एंड थर्ड इज क्रिकेट. झिंगुर जो होता है ना, जो रात में आवाज करता है, दैट इज. देन बग एंड मॉस्किटो. एंड लास्ट वन इज लोकस्ट. CUST. ओके, नाउ इन्फो नगेट्स. व्हाट इज रिटन हियर? एन एंट कैन पुल लोड्स अप टू 300 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट. कि जो एक एंट होती है वो अपने वेट से 300 टाइम्स ज़्यादा वेट उठा सकती है. ठीक है, तो ये एक याद रखने वाला पॉइंट है कि जो एक एंट होती है, चींटी होती है, वो अपने से 300 टाइम्स वेट को कैरी कर सकती है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें भी हमें यहाँ हेल्प लिस्ट दी हुई है, इसमें से इंसेक्ट्स के नाम चूज करके इन फिलअप्स को भरना है. फर्स्ट वन इज कैन अटैक वुड एंड डिस्ट्रॉय इट. इनमें से कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जो वुड पे हमला करता है एंड उस वुड को वो धीरे धीरे बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है. दैट इज टर्माइट. टर्माइट माने दीमक. ठीक है, सेकेंड वन लिव इन लार्ज सोशल ग्रुप्स. कौन सा इसमें इंसेक्ट है जो ग्रुप्स में रहता है? दैट इज एंट्स. थर्ड, अ बी कीपर कीप्स बीज इन एन. जो बी कीपर होता है यानी जो मधुमक्खी पालता है वो कीप्स रखता है बीज को किस में रखता है? एपियरी. दैट इज एपियरी, APIARY. नाउ नंबर 4, दैट लिव इन हॉट कंट्रीज एंड फ्लाई इन लार्ज ग्रुप्स डिस्ट्रॉइंग ऑल द प्लांट्स एंड क्रॉप्स ऑफ एन एरिया. दैट लिव इन हॉट कंट्रीज. पहली बात तो ये हॉट कंट्रीज माने जहाँ गर्म होती हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, उन कंट्रीज़ में रहते हैं. एंड फ्लाई इन लार्ज ग्रुप्स, और बहुत बड़े ग्रुप्स में या झुंड में उड़ते हैं. डिस्ट्रॉइंग ऑल द प्लांट्स एंड क्रॉप्स ऑफ एन एरिया, और जिस जगह पर जाते हैं उस जगह के सारे प्लांट्स और क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं. दैट इज यस लोकस, LOCUST. नंबर 5, डैश इज अ चैम्पियन हाई जंपर. दैट इज फ्ली. डैश लिव्स इन हाउसेस एंड कॉज डैमेज टू क्लोथ एंड पेपर. जब हमारे घरों में किसी जगह पे मॉइस्चर होता है और वहाँ पर कपड़े या हम बुक्स वगैरह रख दें बहुत दिनों के लिए, उनको अगर हम ना हटाएं या उनको यूज़ ना करें, तो उनके अंदर बहुत छोटी छोटी, देखा होगा आपने, बहुत छोटी छोटी फिश जैसी दिखाई देती हैं हमें, सिल्वर कलर की. देखा है कभी? बहुत छोटी छोटी होती हैं वो, और वो सिल्वर कलर की होती हैं, फिश की शेप की होती हैं, इसलिए उनको सिल्वर फिश कहा जाता है. तो वो कहाँ होती हैं? जहाँ पे बुक्स वगैरह बहुत दिन तक रखी रहें, उनको यूज़ ना किया जाए, मतलब उनको हिलाया ना जाए, तो वहाँ पर ये हमें दिखती हैं. ठीक, इसमें देखेंगे
सिल्वर फिश। नंबर सेवन, डैश कैन स्प्रेड अ डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। ये एक ऐसा इंसेक्ट है जिससे कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है, दैट इज टेस्टसे फ्लाई। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, इसको बहुत अलग अलग तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अगर हम इस एस को साइलेंट कर देंगे तो ये टेट्सी पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर हम इस टी को साइलेंट करेंगे तो ये सेट्सी पढ़ा जाएगा या सी सी भी पढ़ा जाएगा। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप इसकी स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करेंगे और क्या प्रोनाउंस करना है ये आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। टी एस ई एंड टी एस ई फ्लाई, ठीक है। तो आप इसको टेट्सी भी बोल सकते हैं, सेट्सी भी बोल सकते हैं और सीटसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। डैश इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई दैट इज पेंटेड लेडी, पेंटेड लेडी इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई। इन डैश वी फाइंड ड्रोन्स वर्कर्स एंड क्वींस। कौन से इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं, तो उनमें अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, क्वीन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, दैट इज बीज, इन बीज। एंड लास्ट वन, अनदर नेम फॉर अ ग्लो वॉर्म इज, ग्लो वॉर्म जो होता है उसका एक और नाम क्या है, दैट इज फायरफ्लाई। ओके, यहाँ एक और इन्फो नगेट्स हैं। द फीमेल ग्लो वॉर्म हैज नो विंग्स एंड प्रोड्यूसेज अ ग्रीन लाइट एट द एंड ऑफ द टेल। जो फीमेल ग्लो वॉर्म होता है उसके पंख नहीं होते हैं, हैज नो विंग्स, उसके पंख नहीं होते हैं, एंड प्रोड्यूसेज अ ग्रीन लाइट एट द एंड ऑफ द टेल, और उसके जो टेल होती है उसके पास से ग्रीन कलर की लाइट निकलती है, ठीक है। तो ये वर्क आप लोग इसी बुक में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।